नमस्कार आपण देखते अर्गस अपडेट आपस्मी प्रथम हेडलाइंस अन्यादेश जाए संबलपुर बुर्ला इनिट्यूट सटडाउन कोरोना संक्रमण पर जिला प्रशासन निष्पत्ति एगारटी छात्रावास कंटेनमेंट जोन पुलह छात्रावास पार्श्वर्ती अंचल बफर जोन पाठपढ़ा बातिल अनलाइन परीक्षा मंच फेर लुह झरला मार्च गाइडलाइन डे 2000 दर्शक अनुमति भाव विहल हेले कलाकार जिला प्रशासन चाहिए घोषणा करें कंटेनमेंट जोन महंगा डबल मर्डर को नहीं विधानसभा हुस्तुल राज्यर आईन श्रृंखला प्रसंग को नहीं कंपिला गृहमंत्री प्रताप जेना इस्तफा सह सीबीआई तदंत दाबी कला बीजेपी कांग्रेस कहला जंगल राज जवाब रखिले गृहराष्ट्रमंत्री शर्त पूरण करें पाकिस्तान आतंकवादी को प्रवसर देखा कारण पुणी 2021 जून मस जाए रहा एफएटीएफ प्यारिस वर्चुआल मीटिंग निष्पत्ति निर्धारित समय आतंकवाद विरोध में कार्यानुषान ने विफल भारतर वैक्सीन डाटा प्रति विपद भारत बायोटेक सेरम उपर चीन हैकरों नजर वैक्सीन निर्माता उत्पादनकारी टार्गेट क्लिनिकल ट्रायल तथ्य एवं जोगाण श्रृंखला तथ्य जारी करने को चेष्टा एवं ततला कोड़ी रे भाजी होउछि ओडिशा फेब्रुवारी मासरे मुंड फटा खरारे जनजीवन अस्तव्यस्त आहुरी पांच दिन ग्रीष्म प्रभाव राजधानी भुवनेश्वर सबुठ उत्तप्त सहर पुणी फेरला कंटेनमेंट और बफर जोन संबलपुर बुर्ला इनिट्यूट्रु गतल 25 जन छात्र कोरोना संक्रमित चिन्हट होगापर संपूर्ण अंचल को कंटेनमेंट जोन भाव घोषणा करपरिकिट्रु पुलह हस्टेल को बफर जोन भाव में घोषणा कर अंचल दे सर्वसाधारण जापारे ना सूचना जारी करसुट्रु हस्टेल गुड़ी कंटेनमेंट जोन करपरी पुलह हस्टेल को बफर जोन भाव घोषणा कर तबे संपर्कित अधिक सूचना पे आम सहित फोन लाइन जोड़ना प्रतिनिधि ज्योति नंद अच्छा ज्योति जो भाव में संबलपुर बुर्ला इनिट्यूट्रु गत 25 जन छात्र कोरोना संक्रमित चिन्हट होते वर्तमान जहाँ सूचना आसी पहुँची कि पूरापूरी जदि कह कि 11 छात्रावास कंटेनमेंट जोन केवल रही तार स्थित देखो विस्मित जो गत काली जो 25 जन छात्र छात्री कोरोना आक्रांत होता घटना को नहीं घटना को नहीं बर्तमान तदंत मीट गठन कराला मीट सहित घोषणा कर आज समस्त हस्टेल कंटेनमेंट जोन बिगला सहित लॉन्ग हस्टेल को बफर जोन घोषणा कर समस्त जो छात्र छात्री मैंने स्पष्ट टेस्ट कर आगामी दिन में जब अधिक मानने आक्रांत हवा संभावना रही है किंतु वर्तमान सुधा स्पष्ट हो पारे नहीं आते जन आक्रांत होती कि गत काली जहाँ आम पाखे सूचना थी वर्तमान सुधा 25 जन आक्रांत होती किंतु समस्त छात्र छात्री को आवश्यकता रही है टेस्ट करने सहित छात्र छात्री को टेस्ट करने सहित आउ मुख्य विषय यह हूँ कि जो सहित जो मैंने मेला जाते शिक्षक शिक्षयित्री टेस्ट करने आवश्यकता रही है अन्य मानक आक्रमण हो पारे संभावना जहाँ रही से नहीं बर्तमान एक बड़ पदक्षेप नहीं कर्तृपक्ष तरफ कि समस्त हस्टेल को कंटेनमेंट जोन ने सहित आउ प्लस हस्टेल जो बफर जोन भाव में घोषणा कर ज्योति सब बड़ कथा हूँ 25 जन छात्र कोरोना संक्रमित चिन्हट जहाँ होती सूचना आसे सब बड़ कथा और प्रश्न उठू कि जो 25 जन छात्र कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होती से सहित मिसी थे जो कहीं बर्तमान कहुची कि नुआ स्ट्रेन आसूरी नुआ स्ट्रेन आसूरी पुणी थे कोरोना फेरला तेज जो 25 जन छात्र थे कौन क्या सहित मिसी थे जो मैंने बाहर आसपाई कोरोना होता है बर्तमान जहाँ सूचना आसू चर्चा होती है किसी ना कि लोकों सहित मेलमेस होते जहाँफल कोरोना आक्रांत आक्रांत होती कि बर्तमान बड़ विषय यह हूँ जो मैं कोरोना आक्रांत होती से जितेबाला स्वतंत्र व्यवस्था कर रखाई कि स्पष्ट आसीकार छात्र छात्री एटिकार शिक्षक शिक्षय कौन से स्टाफ जो तरह स्पर्श आज निहाती भाव मैंने जमापड़ी कि आगामी दिन अधिक परिमाण में कोरोना आक्रांत संख्या बढ़ बढ़ी पारे जहाँ आशंका कराऊ से नहीं बर्तमान कर्तृपक्ष एक बड़ निष्पत्ति नहीं कि समस्त हॉस्टल को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करागला ता सहित अलस्त हॉस्टल को बफर जोन भाव में घोषणा कर जो मैंने परीक्षा दे से परीक्षा दे पारे कि निहाती भाव में यह स्थान में समस्त को घोषणा कराली समस्ते मास्क व्यवहार करेंगे समस्ते सैनिटाइजर व्यवहार करेंगे ता सहित समस्त निहाती भाव में जोटा कि रही सामाजिक दूर कितु बर्तमान समय डोन जहाँकि
कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करगला समस्त वर्तमान एबे जो भाव रही समस्त हॉस्टल को कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर सहित वर्तमान यही स्थान को बफर जोन डिक्लेयर कर प्रस्तुत यही रास्ता दे जनसाधारण मत जाए बारण कर ज्योति जोभली भाव में आपन सूचना दौले 25 जन छात्र कोरोना पॉजिटिव परिवार पक्षर कौन प्रतिक्रिया आसने कौटना कौटी भयभीत अवस्था थी अंपटे जिला प्रशासन कौन सब जदि कह अधिक पदक्षेप ग्रहण कला विशेष निहाती भाव में जो छात्र छात्री आक्रांत निहत पर लोक मन में भय सृष्टि होती अंचल वातावरण खेल रही है कहीं पूर्वर जितेबले सरकार स्कूल कॉलेज खोल पर एक गाइडलाइन रही कि समस्ते मास्क व्यवहार करेंगे सैनिटाइज करेंगे समस्ते सामाजिक दूरता मेन्टेनेंस करा कि नपे बोधे से आज बड़ घटना आज सामना को आसूस निहाती कर्तृपक्ष को आम देखा ये सब घटना को निर्णय गुरुत्वपूर्ण नहीं कथा जना जो छात्र छात्री को निज घर को पठे से मैंने निज पर सहित आखपाख अंचल स्पर्श आसीपारे निहांती प्रपर्ली ट्रीटमेंट निहांती आवश्यकता रही है कि ट्रीटमेंट कर जो मैंने बर्तमान सुधा अच्छा प्रपर्ली ट्रीटमेंट आवश्यकता रही है डॉक्टर टीम गठन कर तो डॉक्टर टीम 24 घंटा निहांती स्वास्थ्य व्यवस्था में सठिक भाव में पचरा निहांती आवश्यकता रही कि जिला प्रशासन यही घटना को नहीं एक गुरुत्वपूर्ण भाव घटना को गुरुत्वपूर्ण ना आवश्यकता रही जदि जो 25 जन छात्र कोरोना पॉजिटिव चिन्हट हेले तापर एक प्रकार कंटेनमेंट अर्थात एवं यह सहित बफर जोन घोषणा करा तबे केउठे केउठे समान को पाठ पढ़ाक मध्ये बातिल करा जायछि तबे जो परीक्षा रहिछि ता कोन ऑनलाइन रे करा जिवो वर्तमान जो परीक्षा रहिछि थर्ड इयर जो परीक्षा वर्तमान ता ऑफलाइन रे चलिछि किंतु समस्त छात्र छात्री को कंटेनमेंट जोन को छुट्टी कराई कि परीक्षा सारे घर को विदाय दे जहाँ निष्पत्ति नौकर कि वर्तमान जहाँ रोचे ऑनलाइन जहाँ पाठ पढ़ा हम ऑनलाइन रे पाठ पढ़ा हे कि आगामी दिन में ऑफलाइन हम ऑनलाइन तब स्पष्ट करना कि सूचना रही कि निर्णय पाठ पढ़ा पुणी थे ऑनलाइन रे आरंभ हम बोली गत काली आमको गृहपति दायित्व जी अच्छा बीबीभूषण मत सी आमको सूचना दे निहत केउटा केउटी पुणी थे कोरोनार से ग्राफ्रे परिवर्तन आसी कोरोना पुणी उपरमुआ होउटा केउटी ताकू नहीं समस्ते भयभीत अवस्था अच्छा तेज पुणी फेरला कंटेनमेंट एवं बफर जोन संबलपुर बुर्ला विश्वट्रु गत 25 जन छात्र कोरोना संक्रमित चिन्हट होगापर संपूर्ण अंचल को कंटेनमेंट जोन भाव में घोषणा कर बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति आप समस्त सूचनापाई मार्च पर राज्य सरकार कोरोना गाइडलाइन जारी कोरोना पर राज्य सरकार मार्च गाइडलाइन अनुसार जिलापाल स्थानीय अधिकारी सतर्कतार कंटेनमेंट करें जनसचेतनता व्यापक पदक्षेप नेबाको निर्देश दिया जाइछि सेपरी यात्रा पर राज्य सरकार कटकणा कोहल करछन्ते यात्रा ओपेरा पर सर्वाधिक 2000 दर्शकों को अनुमति मिलिबो जिलापाल कमिश्नर को अनुमति नहीं परिवेशन करपारे सरकार पक्षर कहुई कोरोनार समस्त गाइडलाइन मानि परिवेशन सामाजिक दूरत्व मास्क परिधान थर्मल स्कैनिंग बाध्यतामूलक सेट मध्य 6 फुट दूरत्व रोगाक्रांत को अनुमति मना इनफ्लुएंजा लक्षण थिबा दर्शकों को यात्रा देखा अनुमति ना ऑनलाइन टिकेट व्यवस्था करने को आयोजकों परामर्श दिया जाता बेले अधिकरु अधिक टिकेट काउंटर करने को आयोजकों निर्देश रही सबुठ बड़ कथा यात्रार कटकणा उल्लंघन हेले आयोजक दायी रहिबे से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देवी जाऊ मो अशेष अशेष धन्यवाद सरकार को सब जय जय गान करूँ निहाती आम पेट पाटणा कथा मो भाई भौनी मानक कथा मो कलाकार भाई भौनी मानक कथा से माने जानी पारि छथि ताको पेटर भूक जानी पारि छथि आम मंच आम को फेरे दे छथि सेतिपई बहुत बहुत धन्यवाद आम राज्य सरकार को माने जो माने बेडिंग धरिकी गाँ गाँ बुलती ड्रामा करने कष्ट आ गया कई देखी ना कि आज आज एम खुशी न कहले सर जाओ आम मैंने मंच फेरी पाइल मो भाई भी समस्ते फेरी पाइले से बहुत बहुत धन्यवाद आपण मैं मैंने न खाई न पी पड़ी रही आम उपर जो मैंने हीरालाल बाबू अच्छा संपादक भानु नना अच्छा बंकी भाई अच्छा आम दैतारी पंडा अच्छा बापी पंडा अच्छा गौर दास अच्छा जैसे आम आगधारी कलाकार बहुत लड़ी आमपाई सी भी आम तदारख कर लेडीस आम जिते जन अच्छा राजरास्तार आम पड़ी रही दाबी पूरण होती धन्यवाद दबा ता सहित आम खुशी महल
चारिआड़े सब वर्गर कलाकार मानक नहीं जो आज आंदोलन कराइला छः दिन धरी बर्तन आज ता पूरण हो जाए आम मंच आम फेरी पाइचु आज आम मंच आम पाखे आम जीविका आज फेरी पाइचु तेणु आम जीविका जी मो पाखे बाकी रही जीवन कथा जीवन बचापी आम को जो गाइडलाइन दि जाए जो SRC डिपार्टमेंट जो गाइडलाइन देती से गाइडलाइन को आम फॉलो करी आम निश्चय यात्रा परिवेशन करने निश्चय चेष्टा करूँ कहीं जीवन अति मूल्यवान जीविका फेरी पाइचु से ही खुशी से जीवन चल जाइपे तेणु जीवन बचा आमर धर्म समस्त जीवन को आम के विपद को दबानी तेणु आम सरकार गाइडलाइन जहाँ रही आम मानवाई बाध्य हो आईटा हूँ आम कर्तव्य कहीं आम जनसचेतन आम बार्ता बांटुचु नजर पकड़ा परवर्त खबर उपर ढेंकानाल डाकमंडल अनुगुल जिलार छुंडीपदा ब्लक तुकुड़ा ग्राम को भारतीय डाक सेवा विभाग पक्षर स्वतंत्र भाव पंचतारका ग्राम सहित सुकन्या समृद्धि योजना ग्राम मान्यता प्रदान करा तुकुड़ा ग्राम सभागृह आयोजित एक स्वतंत्र कार्यक्रम मध्यम सरकारी स्तर में पंचतारका ग्राम घोषणा करा कार्यक्रम में संबलपुर पोस्टल रिजोनाल आसीस्टांट डायरेक्टर कमलेन्दु पंडा आसीस्टांट सुपरटेडेंट ज्ञानरंजन प्रधान ढेंकानाल मंडल अधीक्षक जम्बेश्वर गडनायक अनुगुल डेपुटी पोस्टमास्टर सरोज कुमार महापात्र पोस्टल इन्स्पेक्टर कुशल महालिक एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं ग्रामवासी जोग देथिले मयूरभंज झारपोखरिया थाना अंचल नाबालिका को अपहरण और दुष्कर्म अभियोग मामला तीन जन को गिरफ्त करी कोर्ट चालान कर झारपोखरिया पुलिस झीटी झारपोखरिया थाना अधीन मामू घर रही पाठ पढ़ुला गत 21 तारीख रात्रि झारपोखरिया थाना अंचल तीन युवक नाबालिका को अपहरण कर भुवनेश्वर नहीं जाते 22 तारीख में नाबालिका पर नाबालिका को नपाई थाना संप्रक्त युवक विरोध में अभियोग करते एने झारपोखरिया पुलिस एक मामला रुजू कर गाड़ी ड्राइवर को थाना अटक रखी पचराउचरा करा नाबालिका भुवनेश्वर थी सूचना पाई स्थानीय पुलिस सहायता में नाबालिका को उद्धार कर पुलिस युवक विरोध में पोक्सो आक्ट में मामला रुजु हो भारत में चली विश्वर सर्वबृहत कोरोना टीकाकरण जहाँक नहीं समस्त टीका ने बढ़ुच्च आशा और उत्कंठा से मार्च पहलूर वयस्कों को मिल कोरोना टीका जहाँक नहीं प्रस्तुत हो 10,000 स्वास्थ्य केन्द्र तेज आपड़ जानते कि केमी करेंगे कोरोना टीका पंजीकरण देखते रिपोर्ट देश में चली विश्वर सर्वबृहत कोरोना टीकाकरण मार्च पहलू वयस्कों को मिल कोरोना टीका प्रस्तुत हो 10,000 स्वास्थ्य केन्द्र केमी करेंगे भैक्सीन रजिस्ट्रेशन कौन रही सरकार प्रस्तुति भारत में जारी रही विश्वर सर्वबृहत कोरोना टीकाकरण जहां वर्तमान द्वितीय पर्यायर पहुंची मार्च पहलू देश में वयस्क व्यक्ति अर्थात 60 वर्षर ऊर्ध लोक दिज्व कोरोना टीका यास एकाधिक रोग से चिकित्सित हो 45 वर्षर अधिक वयस्क व्यक्ति टीकाकरण में सामिल कराक समग्र भारत में प्रस्तुत हो 10,000 स्वास्थ्य केन्द्र यह पर्यायर सरकारी और बेसरकारी मेडिकल को सामिल करा सरकारी मेडिकल रे एही टीका मागणा दि जाता बेले बेसरकारी मेडिकल रे एही टीका अर्थ देवा पड़े जहां आगामी दिन में स्वास्थ्य विभाग निर्धारित कर सूचना देखते केन्द्र मंत्री प्रकाश जावड़ेकर 1 मार्च से यानी अगले सप्ताह से सोमवार से 60 से ज्यादा उम्र जिनकी है और ऐसी संख्या 10 करोड़ से भी ज्यादा है ऐसे सभी लोगों को और 45 से ज्यादा उम्र जिनकी है लेकिन जिनको कोमॉर्बिडिटी है कोई ना कोई दूसरी बीमारी है ऐसे 45 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को भी 1 मार्च से टीकाकरण किया जाएगा 10,000 सरकारी केंद्रों पर और लगभग 20,000 से भी ज्यादा
प्राइवेट केंद्रों पर हॉस्पिटल्स में ये टीकाकरण होगा। और उसमें सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो 10,000 सरकारी केंद्रों पर जाकर टीका लगवाएंगे, कोई भी हो, उसको मुफ्त टीका लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त लगेगा सरकारी केंद्रों पर, और प्राइवेट में जो लेंगे उनको अर्थात उसका शुल्क देना पड़ेगा। और वो शुल्क कितना होगा, कितनी फीस होगी, तो स्वास्थ्य विभाग 2-3 दिन में उसके बारे में घोषणा करेगा। तबे आपण जानिछंती कि केमिति करिबे वैक्सीन पाई पंजीकरण। प्रथम स्टेप, प्ले स्टोर रे को विन ऐप डाउनलोड करबा किबा www.cowin.gov.in वेबसाइट मध्यरे वयस्क व्यक्ति माने कोरोना टीका पाई पंजीकरण करि परिबे, जहां केंद्र सरकारकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिचालित हेउछि। द्वितीय स्टेप, ए ऐप रे वयस्क व्यक्ति माने निजरो आवश्यक कागजपत्र अपलोड करबा दरकार, जेउथिरे जने व्यक्ति निजरो भोटर परिचय पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पेंशन कागजपत्र अपलोड करि परिबे। तृतीय स्टेप, ऐप रे ऑथेंटिकेशन पाई जने व्यक्ति आधार कार्ड को निजरो फोटो आईडी भाबरे व्यवहार करि परिबे। तबे आपणको कोविन अकाउंट आधार ऑथेंटिकेशन भाबे कार्य करिवो। केवल आधार ऑथेंटिकेशन नहि, जने व्यक्ति बायोमेट्रिक, ओटीपी, डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन करि परिबे, जहां वैक्सीन देबा समरे मध्ये कार्यकारी होइथाय। चतुर्थ स्टेप, परे उक्त व्यक्ति टीकाकरण पई आवेदन करि परिबे। या सो ए ऐप रे 5टी मॉड्यूलेशन रहिछि, जेपर कि एडमिनिस्ट्रेशन मॉड्यूल, रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल, वैक्सीन मॉड्यूल, बेनिफिशियरी एक्नॉलेजमेंट मॉड्यूल और रिपोर्ट मॉड्यूल रहिछि। परे व्यक्ति जनक रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल द्वारा वैक्सीन नेबा पई निवेदन करि परिबे। पंचम स्टेप, शेषरे जने व्यक्ति वैक्सीन पई आवेदन करबा परे रजिस्ट्रेशन करितबा मोबाइल नंबर रे टीका नेबा पई स्थान, तारीख और समय रो मेसेज आसीबो। परे उक्त व्यक्ति जनक टीकाकरण केन्द्र रे टीका नै परिबे। तबे भारत रे चालुथबा विश्वर सर्वबृहत टीकाकरण बे सफलतार सह आगे चलिछि। ब्युरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। ତତଲାକୁଡ଼ିରେ ଭାଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ତାପମାତ୍ରା। 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶା ବି ନାହିଁ। ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ତାପମାତ୍ରା ବ୍ୟବଧାନ 5 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ତେବେ ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା 40.6 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। କିଛିଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଜନା ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ। ସୁଶାନ୍ତ, ତତଲାକୁଡ଼ିରେ ଭାଜି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଯଦି କହିବା ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଖରା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜନଜୀବନ ଏକ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ଆଶା ବି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବିସ୍ମି, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆସିନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଆସିବ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା, ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର, ଏବଂ କାଲି ଯଦି କହିବା ତାପମାତ୍ରା କଥା, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି 40.6 ଡିଗ୍ରୀ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଡ୍ୟୁଟି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର ନାୟକ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ଦେଶର ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର, ତାପରେ ସାର୍ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ସାର୍ କ'ଣ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ଫରକ ସାର୍ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ଫୋରକାଷ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମର ଫୋରକାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ମୁଁ ଆଗେ କହିଦେଉଛି। ଫୋରକାଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ମେନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମେନି ପ୍ଲେସେସ୍ରେ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ତା'ର ନର୍ମାଲ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ଟିକେ ରହିବ। ମିନିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ସେମିତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନୋ ଲାର୍ଜ ଚେଞ୍ଜ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କେତେଗୁଡ଼େ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯଥା ଆମର କଟକ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର,
अनुगुल मयूरभंज केन्द्रापड़ा ये डिस्ट्रिक्ट मानकर केतोडे सम प्लेसेस रे कौन रही है ना मैक्सिमम टेम्परेचर नॉर्मल ठार 5 डिग्री पाखापाखि अधिक रही जहाँ फल कौन गोटे हॉट वेदर कंडीशन रहा परेशा गोटे गरम रही मेनली नून समय 11:00 to 3:00 भितर लोक मैंने शीतपिन सतर्क होगा दरकार आउ टेम्परेचर जो कहले रिसीव कर मैक्सिमम टेम्परेचर तो जेनेली ऊपर वाला रिसीव कराए से गत काली जो मैक्सिमम टेम्परेचर आम निशार विभिन्न जगह सबुठ अधिक टेम्परेचर आम रोच भुवनेश्वर 40.6 डिग्री सेलसीयस छाड़ा अगर टेम्परेचर जो जगह है केत गुड़े जगह 38.6 कटक 38.1 बारीपदा 38.6 तालचेर 38.0 नयागढ़ 38.0 टीटलागढ़ 38.0 यहाँ रही अन्य स्टेशन 40 कम रही सर उपकूल ओडिशा कथा कहबा उपकूल ओडिशा रे सेमती किछि तापमात्रा रे फरक परिलक्षित होछि कि हाँ जे मुझे कहली उपल जो डिस्ट्रिक्ट गुड़ा कहली फोरकास्ट दि जामर जे उपल डिस्ट्रिक्ट कटक आमर जाजपुर भद्रक बालेश्वर हाँ ये सब डिस्ट्रिक्ट मानक जो कहे अंतर इंटेरियर के डिस्ट्रिक्ट अनुगुल मयूरभंज ये भी टेम्परेचर मैक्सीम टेम्परेचरटा नर्माल ठार 5 डिग्री पाखापि रही है गरम टी रही कौन डिस्ट्रिक्ट जारी कर ना हिट वेव आम जारी कर केवल गोटे गरम परिस्थिति मैं टेम्परेचर रही है हॉट वेदर कंडीशन रही है बोलिए आस दिन कह गोटे क्या देखा राजधानी जदि कह सर ओयूटी परिसर आप देखिए सर तापमात्रा 36-37 डिग्री रोला बेले आपड़ यही स्थान देखिए यही स्थान जोटा कि का सर्वोच्च तापमात्रा 40.6 डिग्री सर रेकर्ड होती तेज कौन सर जो पाखापाखी जो देखा डिस्टान्स सर एत भी दूर नुह तथा सर तापमात्रा एमती जो फरकटा पर सर कौन यहाँ हो ये जनरली रहे लोकेशन ऊपर डिपेंड कर देखिए ढालुआ जमी कि ये जगह हेले से कौन से टेम्परेचर अधिक रोटी वेजिटेशन रोथ गछपत्र कि घास फास जो रोथ टेम्परेचर कम रवेन पाखापाखी एरिया हेले कहीं आम से सूर्य समय जो इनसोलेसन टा आसर्य किरण आसपुर रिफ्लेक्ट हो परेश गरम रोचे यही ढालुआ ये जगार जेनराली टेम्परेचर टी रहा टी स्लाइट डिफरेन्स रही किसी आगामी किछ दिन मेधर जदि कहबा सर तापमात्रा रे कोन तापमात्रा वृद्धि पाइबार संभावना सर केते कोन हां निश्चित भाबरे हमर प्रकाश प्रकाश हिसाब रे आसंता मैक्सिमम टेम्परेचर जनरली कन बटन तो टेम्परेचर बढी छि मैक्सिमम टेम्परेचर जनरली आसंता 2-3 दिन भीतर मैक्सिमम टेम्परेचर ओडिशार विभिन्न जगार मेन मेनी प्लेसेस रे नॉर्मल ठार 3-4 डिग्री अधिक रहिबो ओके मिनिमम टेम्परेचर सेमती परिवर्तन हेनी ता छड़ा आउ थी रखुच मैक्सिमम टेम्परेचर ओडिशार केत डिस्ट्रिक्ट कटक जाजपुर भद्रक बालेश्वर अनुगुल केन्द्रापड़ा देन यू डिस्ट्रिक्ट मानक सम प्लेसेस टेम्परेचरटा नर्माल ठार 5 डिग्री अधिक होबार समय अच्छे हॉट वेदर कंडीशन रहिबार संभावना रहुछ निश्चित भाव विस्मय देखुले आम सहित तो ड्यूटी ऑफिसर जहाँ आलोचना करते पानीपाग विभाग से कहवा कथा जो आगामी दिन मानक देखा हीट वेव जो जो आसूब हिट जो देखा मिलूँ जो तापमात्रा आप देखिपे तापमात्रा दिनक दिन बढ़िवार लगी राजधानी भुवनेश्वर कथा कह गत 40.6 डिग्री रेकर्ड होता सेपर अन्य स्थान मानक कह मैंने उपकूलवर्ती अंचल मानक हिट वेव कह तापमात्रा बढ़ाक लगुच कथा कह स्थान मानक कह से से कहले कौन स्थान में हिट वेव जारी करा जाए कि कह वर्तमान सुधा अन्य जदि देखा किसी दिन भितर तापमात्रा बढ़ाक लगे और सहित तो मानते स्वाभाविक तापमात्रा जी रही तीन 4 डिग्री अधिक रही सूचना देखते विस्मी निहतर सुशांत जहाँ सूचना देते कि जो भाव में मार्च मस आरंभ होनी से देखा गत काली भुवनेश्वर सबुठ उत्तप्त सहर भाव एक प्रकार परिगणित होती कहीं 40.6 डिग्री सेलसीयस रही है क्योंठा क्योंकि यह एक प्रकार भयभीत अवस्था को जाऊँगी कहीं मार्च मस आरंभ जो स्थिति एभली आहरी रही 2-3 क्योंठा क्योंकि जनजीवन एक प्रकार अस्तव्यस्त हो बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत आप समस्त सूचना राज्य में दुर्नीति दूरीकरण लागू हो मो सरकार और 5G योजना आरंभ करते दुर्नीतिखोर सरकारी कर्मचारी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करता हेले अनेक समय रे राज्य सरकार को दुर्नीतिमुक्त निर्मल प्रतिच्छवि ना भी बली पड़ते तल स्तर कर्मचारी बड़ बड़िया अधिकारी ना मलमाल अभोग थी विरोध में कार्यानुष्ठान जाऊना अंपटे कौन सी भूल
नर्थ साई तळस्तरर कर्मचारीको सीधा चाकरीरु तडी दिया जाउछि। एभळी घटना देखबा को मिलिछि सुंदरगढ़ जिला सदर ब्लॉक रो भेडावहाल प्राथमिक विद्यालय रे। एहि विद्यालय रे कार्यरत सहकारी शिक्षयत्री तपेश्वरी पंडांको बिना कोनोसी कारण दर्शाई सीधा सळक चाकरीरु बाहर करि दिया जायछि। दीर्घ 27 वर्ष धरि शिक्षादान करबा परे हठात केउ कारणरु तांको बाध्यतामूलक अवसर दिया गला तार उत्तर खोजुछन्ति शिक्षयत्री। सर मु तो मेढ़ावाहाल सरकारी प्राथमिक विद्यालय करूँ सहकारी शिक्षयत्री भाव में कार्यरत थी मत 17 तारीख लेटर रे मत 18 तारीख क्लास कर आसिक मो घर को आसवापुर पुणी मत फोन साहय डकरा विद्यालय को पुणी जा सेठे मत कंपलसरी रिटायरमेंट लेटरटा दे दि जाइए से सर किसी कारण तो नाला खाली केवल कही लिखाई क्लज ए 71 ए अनुसार आपन को रिटायरमेंट दिगला लिखाई थी सर यहाँ गोटे आमपाई बहुत दुखद खबर जे सरकार जो प्रकार निष्पत्ति जदि सरकार मु भावी बोधे भूल निष्पत्ति नहीं थी पारती जो कर्मचारी मैंने विषय लिखिक जदि 5T रो कौन नियम अच्छी से जानी किंतु जड़े दृष्टिबाधित भिन्नक्षम हिसाब रे से जहाँ जमी सरकार को प्रोत्साहन रही चाकरी बहिष्कार हवा कथा नुह बोली मो मतरे शुणुची जानूची से हिसाब से जी भूल निष्पत्ति नहीं सरकार को मुं आपम अनुरोध करुच्चे से प्रत्याख्यान करी से पत्र संख्या को रद्द करके आउ थे चाकरी अवस्थापित करूँ। समस्त रिचि बुलेटिन रखा अधिक आपड़ भिजिट करें वेबसाइट अर्गस न्यूज। नमस्कार।